हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 36 स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट चल रही है और आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग दी कार्नोट साइकिल। तो आज का जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि कार्नोट साइकिल है हमारे पास, तो विच इज ऑपरेटिंग बिटवीन टू टेम्परेचर्स, टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2, एंड इसमें हमारे पास क्या है, एक हीट सोर्स होगा, एक हीट सिंक होगा, Q1 जो अमाउंट ऑफ हीट है वो सोर्स से लेके हम Q2 जो सिंक में भेज रहे हैं, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट। हमारे पास पूछा गया है कि चारों में से कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकोरेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट है कि वर्किंग जो वर्क डन है दैट इज गिवन बाय Q1 माइनस Q2। दूसरी स्टेटमेंट है रेशियो दे रखी है Q1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय T2। सी ऑप्शन है हमारे पास, एंट्रॉपी ऑफ द हॉट रिजर्वायर डिक्रीजेस, एंड जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज एंट्रॉपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीज। तो चारों में से हमने चेक करना है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सी है। तो यहाँ पे दो चीजें मेंशन हो रखी हैं, एक वर्क डन हो गया, दूसरी चीज हमारे पास ऑप्शन हो गया यहाँ पे दे रखा है एंट्रोपी का कंसेप्ट। तो दोनों ही हमें डायग्राम्स वगैरह देखनी पड़ेंगी, उस हिसाब से हम इसको स्पेकुलेट करेंगे कि आंसर क्या हो सकता है। तो पहले देखते हैं कार्नोट साइकिल क्या है। तो कार्नोट साइकिल जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। तो कार्नोट ने इसकी स्टेटमेंट दी थी बेटा, तो कार्नोट साइकिल इज डिफाइंड एज एन रिवर्सिबल क्लोज्ड थर्मोडायनेमिकल साइकिल। तो ये रिवर्सिबल साइकिल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये, रिवर्सिबल साइकिल है एंड क्लोज थर्मोडायनेमिकल साइकिल है, मतलब ये साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करता है। अब इस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को गवर्न करता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो काफी सारी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, आपको पता होता है, आपने BSc में भी पढ़ा हुआ है। तो एंट्रॉपी ऑफ ए क्लोज सिस्टम एंड द एंटायर यूनिवर्स नेवर डिक्रीजेस। तो यहाँ पे इसकी पहली स्टेटमेंट दे रखी है कि डेल्टा एस जो है एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी की बात करोगे ड्यूरिंग प्रोसेस, तो हमेशा ही इंक्रीज करेगी या उसके ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रहेगी। तो ये जीरो कब होती है, या तो रिवर्सिबल सिस्टम होगा तो डेल्टा जो एस है एंट्रोपी चेंज है वो जीरो हो सकता है, अगर रिवर्स इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गई तो उस केस में ये जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो जाती है। दो तीन तरह के फॉर्मुलेशन होते हैं। तो इसके बाद हम दूसरी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि कार्नोट इंजन के रिगार्डिंग, कि कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू टेम्परेचर हैज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ ऑल द हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन दीज टू टेम्परेचर। मतलब कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, ये आइडियल सिस्टम होता है कॉरेस्पॉन्डिंग टू टू टेम्परेचर ऑपरेशन, मतलब एक हाई टेम्परेचर है एक लोअर टेम्परेचर है, उसके बीच में अगर कार्नोट साइकिल ऑपरेट कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। कोई भी और साइकिल विच विल बी फॉलोइंग दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी एफिशिएंसी हमेशा ही कम आएगी। तो ये उसकी दो तरह की स्टेटमेंट मैंने आपको दिखा रखी है यहाँ पे, ये दोनों ही हमारे काम की चीजें हैं। तो यहाँ पे दिखा रखा है कार्नोट साइकिल, ये +2 से पढ़ते आ रहे हो, सोर्स है यहाँ पे आपके पास सिंक है, इसको टी ऑफ कोल्ड लिख सकते हो, यहाँ पे टी ऑफ हॉट लिख सकते हो, Q1 यहाँ से हीट हम सोर्स से लेके एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वर्किंग सब्सटेंस को दे रहे हैं, और वहां से हम उसको सिंक कर रहे हैं Q2 से, जो Q2 सिंक हीट है वो सिंक कर रहे हैं T2 के साथ सिंक में। तो वर्किंग जो वर्क डन रहेगा दैट विल बी गिवन बाय Q1 माइनस Q2, इसको Q1 माइनस Q2 के साथ लिख सकते हैं। यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस गैस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे इसके इंजन काम करेगा यहाँ। और इसमें चार साइकिल होते हैं, वो भी आप पढ़ चुके हो, डिटेल में नहीं जाएंगे। फर्स्ट पहले वाला कौन सा होता है, जब हीट इनटेक होता है तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है, इसको आइसोथर्मल एक्सपेंशन बोला जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा साइकिल क्या होता है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, मतलब हीट आपने इनटेक कर ली, अब उसको एक्सपेंड करने दिया जाएगा ऑफ इट्स ओन, अपने आप ही एक्सपेंड करती आएगी, और ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर नहीं रहेगा, यहाँ पे हीट नहीं बदली जाएगी, मतलब यहाँ पे डेल्टा क्यू जो है वो जीरो हो जाएगा, मतलब हीट एक्सचेंज नहीं होगा यहाँ पे, ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो जाएगी। तीसरा फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हीट आउट हो जाएगी अपने सिस्टम से, मतलब क्यू जो हम सिंक में भेज देंगे हीट को, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है Q2 वाला पोर्शन जो है, तो यहाँ पे Q out लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कंप्रेस करेंगे तो हीट बाहर निकलेगी, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गया, ये भी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होगा, ठीक है जी। तो ये कोल्ड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर आएगा, एक तो आप हॉट यहाँ पे TH लिखा हुआ, यहाँ पे TC लिख लीजिए, ये चीज हो सकती है। तो उसके बाद क्या होगा, अपने आप ये और कंप्रेस करता जाएगा, तो ये एडियाबेटिक कंप्रेशन हो जाएगी। तो चार तरह की साइकिल हो गए, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया जी पहला साइकिल, दूसरा साइकिल एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो गया, तीसरा कंप्रेशन आइसोथर्मल वाला, फोर्थ वाला हो गया जी एडियाबेटिक
कंप्रेशन हो गया, विच इज फोर्थ वन हेयर। तो चार तरह के आपको यहाँ पे प्रोसेस देखने के लिए मिल जाएंगे। अब आप बात आती है इनके डायग्राम्स की, तो यहाँ पे बात करेंगे कि डायग्राम्स कैसी होगी। जैसे ही आप वर्किंग सब्सटेंस को जो है यहाँ पे गवर्न करेगा, चार तरह के साइकिल बता दिए, आइसोथर्मल प्रोसेस होगी, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो गई, आइसोथर्मल कंप्रेशन होगी, उसके बाद एडियाबेटिक कंप्रेशन होगी, तो साइक्लिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे आपके पास पीवी डायग्राम अगर आप फॉलो करोगे तो यहाँ पे एक साइड आपको रेक्टेंगल बनती हुई दिखाई देगी, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एरिया अंडर दी कर्व रहेगा विट विल कॉरेस्पॉन्ड टू दी वर्क डन, ये भी दिखा रखा है। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक और डायग्राम हमारे पास होती है, विच इज टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम, इसको टीएस डायग्राम के कॉरेस्पॉन्डिंग भी लिखा जाता है, एंड इट आल्सो कॉरेस्पॉन्ड टू द नेट वर्क डन और नेट हीट चेंज, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे ये देखिए ये वाला जो डायग्राम है, यहाँ पे क्या आएगा, ये एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाएगी, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, ये एडियाबेटिक नहीं रहेगा, ये एडियाबेटिक ही है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे एंट्रोपी चेंज नहीं हो रहा है, एंट्रोपी सेम है, तो इसको आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस भी बोला जाता है, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस भी बोला जाता है। ये वाली जो प्रोसेसेस हैं ये आइसोथर्मल रहेंगी, ठीक है जी। तो इसके रिगार्डिंग भी काफी बार क्वेश्चनिंग हो जाती है। तो अब बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल, ये भी आप प्लस टू से पढ़ते आ रहे हो, यहाँ पे आप क्या पढ़ते आ रहे हो, वर्क डन पर यूनिट डिवाइडेड बाय हीट प्रोवाइडेड, मतलब कितनी आपने सोर्स से हीट ली थी। तो वर्क डन कितना होता है, क्यू वन माइनस क्यू टू, आप क्यू वन माइनस क्यू टू लिख दीजिए ऊपर, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हीट, हॉट रिजर्वायर की हीट होगी जहां से जितनी आपने हीट ली है, इसको क्यू वन के साथ आप डिनोट कर सकते हो, वो आपकी इच्छा, आप हॉट रिजर्वायर लिखना चाहते हो या वन टू के साथ जाना चाहते हो, उसके हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हो, या फिर आप इसको दूसरी तरीके लिख सकते हो, यहाँ पे आप टेम्परेचर की फॉर्म में लिख सकते हो, विच इज गिवन बाय वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाय टी वन, सिंपल सा फॉर्मुलेशन, वेयर टेम्परेचर टी टू इज दी टेम्परेचर ऑफ दिस सिंक, तो ये हमारे यहाँ पे लिखा गया है। तो दोनों चीजें हम यहाँ पे लिख देते हैं पैरेलल ही, ये हो गया वन माइनस, ठीक है जी, यहाँ पे हम लिख देते हैं वन माइनस क्यू टू डिवाइडेड बाय क्यू वन, ये दोनों ही आपस में आप अरेंज करके लिख सकते हैं, दोनों को कंबाइन करोगे तो क्यू टू डिवाइडेड बाय टी टू इट विल टर्न आउट टू बी क्यू वन डिवाइडेड बाय टी वन, ये आपके पास आ जाएगा बेटा, ये रिलेशन भी आपके पास वैलिड रहेंगे। अब बात आती है थ्योरी की, जो मेन कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, ये तो प्लस टू का काम है। सो द कार्नोट साइकिल एस्टेब्लिशेस द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी फॉर एन इंजन साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन टू टेम्परेचर्स, तो ये मैक्सिमम एफिशिएंसी का साइकिल होता है, इससे नीचे ही रहेगी सारी। फॉर ए कार्नोट साइकिल एंट्रोपी चेंज इज जीरो, कार्नोट साइकिल एक रिवर्सिबल साइकिल है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर एंट्रोपी चेंज आएगा तो दैट विल टर्न आउट टू बी जीरो और ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे रिवर्सिबल साइकिल है तो एंट्रोपी चेंज यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जीरो ही लिखेंगे। तो यहाँ पे जो वर्क डन की प्रोसेस है, जो एंट्रोपी चेंज है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला एक्सप्रेशन आप रिमेम्बर रख सकते हैं, नेट एंट्रोपी चेंज कितना आएगा, जीरो ही आएगा। फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, ये तो थी कार्नोट साइकिल की बात, फॉर एनी इरिवर्सिबल प्रोसेस, कार्नोट साइकिल से उसकी एफिशिएंसी भी कम ही रहेगी, बिकॉज साइक्लिक के प्रोसेस के लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी आ जाएगी कार्नोट साइकिल के कॉरेस्पॉन्डिंग, जैसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट है यहाँ पे। तो दिस कैन बी एसोसिएटेड विद लेस हीट फ्लो टू द सिस्टम और मोर हीट फ्लो आउट ऑफ द सिस्टम, अगर एफिशिएंसी कम होगी मतलब कुछ ना कुछ हीट बाहर निकल जाएगी, मतलब आपके सिस्टम की एंट्रोपी यहाँ पे कम होगी, लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या रहेगा, आपके एनवायरमेंट की एंट्रोपी यहाँ पे बढ़ जाएगी, एनी रियल इंजन विल रिजल्ट इन मोर एंट्रोपी गिवन टू द एनवायरमेंट देन इट वाज टेकन फ्रॉम इट, लीडिंग टू एन ओवरऑल नेट इंक्रीज इन द एंट्रोपी, तो नेट इंक्रीज एंट्रोपी का आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इरिवर्सिबल प्रोसेस आएगी यहाँ पे, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी आएगा। अब बात आती है कि आपके पास क्या क्या हो सकता है, वर्क डन की प्रोसेसेस होती हैं, वर्क डन आपके पास मैंने आपको चार तरह के वर्क प्रोसेसेस बता दिए, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गया, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन हो गया, तो चार तरह के आपको सिस्टम मैंने बताए थे जो पीवी डायग्राम के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू वर्क डन,
W1 एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसके बाद जो नेक्स्ट वन इज वर्क डन कौन सा आएगा, वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात होती है तो माइनस आर टी इंटू लॉग ऑफ V2 डिवाइड बाई V1 आएगा, एंड यहाँ पे कितना मोल रहेंगे वो चीज आ जाएगी आपके पास। तो वर्क डन ड्यूरिंग दी एडियाबेटिक प्रोसेस, ये चीजें हम पहले भी देख चुके हैं, सेम एक्सप्रेशन है, वो उन्हीं को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। तो वर्क डन ड्यूरिंग दी आइसोथर्मल कंप्रेशन ये लिखा हुआ है, ये इसके साथ रिलेट कर सकते हैं आप, और ड्यूरिंग दी एडियाबेटिक कंप्रेशन ये वाला पार्ट आप इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। तो नेट वर्क डन कितना रहेगा ये आप रिमेंबर रख सकते हैं। नेट वर्क डन ड्यूरिंग एन साइक्लिक प्रोसेस इट विल बी माइनस एन आर इंटू टी वन माइनस टी टू इंटू लॉग ऑफ वी टू डिवाइडेड बाई वी वन। तो ये आप सिंपल सी प्रोसेस को याद भी रख सकते हैं। तो ये तो थी बेटा मेन जो हमने अभी तक देखना था कि कार्नोट साइकिल के रिगार्डिंग क्या क्या बेसिक सी क्वेश्चनिंग हो जाती है। अब जो आज का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो हमारे पास दे रखा हुआ है कि टेम्परेचर टी वन एंड टी टू के बीच में ऑपरेट कर रहा है एक कार्नोट साइकिल, मतलब टेम्परेचर टी वन जो है इट इज हायर एज कम्पेयर टू टी टू। एंड हमारे पास क्या है बेटा, पहली ऑप्शन दे रखी है विच ऑफ द स्टेटमेंट, या हमने इनकोरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। वर्क डन ड्यूरिंग ए साइक्लिक प्रोसेस ड्यूरिंग वन साइकिल इज गिवन बाय क्यू वन माइनस क्यू टू। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, बिकॉज वर्क डन ड्यूरिंग ए साइक्लिक प्रोसेस इज गिवन बाय हीट, नेट हीट चेंज कितना रहेगा, क्यू वन माइनस क्यू टू ही आएगा। चाहे टीएस डायग्राम से निकाल लीजिए, चाहे पीवी डायग्राम से निकाल लीजिए, कितनी आप साइकिल के अंदर, जैसे ये वाला साइकिल है आपका, यहाँ पे कितनी हीट आपने एंटर की और कितनी एग्जिट की, तो ये उसका नेट रिजल्ट रहेगा वर्क डन। ये वाली चीज भी हमने अभी देखी है, Q1 divided by T1 is equal to Q2 divided by T2, तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी ठीक होती है, ये वाली भी गलत नहीं हो सकती यहाँ। अब बात आती है तीसरी और चौथी ऑप्शन की, सी एंड डी ऑप्शन। तो एंट्रोपी ऑफ द हॉट रिजर्वायर डिक्रीजेस, ये ऑप्शन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो गई, क्यों होती है वो भी हम देखेंगे। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस, या तो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ड्यूरिंग ए रिवर्सिबल साइकिल और इरिवर्सिबल साइकिल जीरो हो सकती है, या फिर यहाँ पे इरिवर्सिबल साइकिल अगर बात करेंगे इट विल बी ग्रेटर देन जीरो। तो किसी भी हाल में एंट्रोपी चेंज नेगेटिव नहीं हो सकता, सो इट कैन बी जीरो और इट कैन बी ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे डी ऑप्शन भी हमारी ठीक ठाक बैठ जाती है बेटा। तो सी ऑप्शन में प्रॉब्लम है यहाँ पे, एंट्रोपी ऑफ द हॉटर रिजर्वायर डिक्रीजेस, एंट्रोपी क्यों डिक्रीज करेगी, एंट्रोपी डिक्रीज करने के लिए उसका टेम्परेचर बदलना होगा, टेम्परेचर तो बदल नहीं ले रहा यहाँ पे, बिकॉज हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस है, जितनी हीट ले रहे हो उतनी दे रहे हो वापस, साइक्लिक प्रोसेस है। तो एंड ऑफ द डे आपके पास क्या आएगा, एंट्रोपी ऑफ द हॉट रिजर्वायर तो उतनी ही रहेगी, बदलेगी नहीं आपके पास, बिकॉज साइक्लिक प्रोसेस है। तो नेट हीट चेंज, नेट एंट्रोपी चेंज यहाँ पे क्या आएगा बेटा, जीरो ही आएगा इस केस में, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। तो नेट एंट्रोपी चेंज विल बी जीरो बिकॉज आपके पास साइक्लिक प्रोसेस है। तो ये आपकी ऑप्शन गलत हो जाती है यहाँ पे, मतलब आपने जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे चूज करनी थी दैट इज स्टेटमेंट सी हियर, आपकी ए ऑप्शन भी नहीं आएगी, बी ऑप्शन भी नहीं आएगी और डी ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं आएगी। तो ऐसे न्यूमेरिकल आपको कंसेप्चुअल ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, वो वाली ऑप्शन अभी अगर आपके ऊपर कई बार एफिशिएंसी का न्यूमेरिकल आ जाता है, मोस्ट कॉमन जो न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में वो होता है 1 - T2 / T1 वाला न्यूमेरिकल, वहां पे आपको एक टेम्परेचर दे दिया जाता है, एफिशिएंसी बता दी जाती है, वहां पे टेम्परेचर T2 ढूंढना है आपने, तो वो ऐसे न्यूमेरिकल सिंपल से होते हैं, वो प्लस टू से आप ऑलरेडी पढ़ते आए हो बेटा। लेकिन यहाँ पे जो न्यूमेरिकल आएंगे वो कंसेप्चुअल ज्यादा आएंगे, एंट्रोपी रिलेटेड आएंगे, एंट्रोपी हॉट टॉपिक है इसके रिलेटेड, तो उसके डिटेल्स में आप पढ़ सकते हैं। क्लॉजिस इनक्वालिटी क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल साइकिल क्या होते हैं, कार्नोट साइकिल के अंदर एंट्रोपी चेंज कितना होगा, अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी की बात करेंगे, एनवायरनमेंट की एंट्रोपी की बात करेंगे तो वो कितना चेंज आएगा, वो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास रिवर्सिबल साइकिल है तो एंट्रोपी चेंज यहाँ पे जीरो आएगा, इरिवर्सिबल साइकिल है तो एंट्रोपी चेंज यहाँ पे नॉन जीरो आएगा, और एंट्रोपी हमेशा ही बढ़ती रहेगी यूनिवर्स के लिए, कभी भी डिक्रीज नहीं करेगी, इट विल ट्राई टू फॉर्म ए मैक्सिमा एंड इट विल ऑलवेज मूव फॉरवर्ड। तो ऐसे न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आते रहेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट।